कुछ एक झूठ हमारे दिमागों में बैठा दिए जाते हैं। जैसे आप सब ने यह कथा पढ़ी होगी कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया द्रोणाचार्य ने, पढ़ा है ना आप सबने? पर ये बताइए कितनों ने महाभारत में स्वयं पढ़ा है? मेरे विचार से हम में से किसी ने भी कभी महाभारत में वह प्रसंग पढ़ा ही नहीं होगा एकलव्य वाला। और अगर हम यह भी विनम्रता से पूछे कि महाभारत के कौन से चैप्टर में है, तो भी शायद हम में से किसी को ध्यान नहीं होगा कि महाभारत के वन पर्व में एकलव्य का उल्लेख है। मगर देखिए मार्क्स और मैकाले का प्रभाव कि हमारे दिमागों में ऐसा भरा हुआ है कि हम ग्लानी से आबद्ध हैं बगैर पढ़े हुए। अब मैं आपसे कहूंगा जाइएगा, जाकर पढ़िएगा, अवेलेबल हो तो इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, ना हो तो राम जो महाभारत सीरियल आया था उसका एपिसोड जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। किस्सा ये था कि जब आपको चाहे आपने कथा सुनी होगी कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया था जो एकलव्य ने तीर चलाए थे, और जब वह तीर अर्जुन निकालते हैं तो उस कुत्ते के मुंह में खरोंच तक उस बाण से नहीं आई होती है, तो वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये सामान्य तीर नहीं है। उन्होंने कहा तो दिव्य अस्त्र है कि मुंह में पूरा तीर से भर गया मुंह और इसके बाद भी एक खरोंच नहीं आई। आप कहेंगे दिव्य अस्त्र का मतलब क्या? दिव्य अस्त्र का मतलब ये है जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है ना, इससे पहले मिडिल ईस्ट की लड़ाई देती थी, तो जो मिसाइल जाती है वो लेजर गाइडेड जाती है, जिस बिल्डिंग पे गिरना उसी बिल्डिंग पे गिरती है, अगल बगल पे नहीं गिरती क्योंकि द डायरेक्शन इज प्रिसाइज टू द मीटर्स। पर अगर मुंह के अंदर जाए और खाल पर खरोच ना आए, इसका मतलब इट इज सो मच स्ट्रांगली गाइडेड दैट इट इज प्रिसीजन टू द माइक्रोमीटर्स। तो जब ये वो देखते हैं ये दिव्यास्त्र चलाना, तो उन्होंने कहा दिव्यास्त्र राजा चला सकता है, ये कैसे सीखा इसने? तो जब द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि तुमने ये किससे सीखा, तो कहता आपसे सीखा गुरु। कहते मैं तो तुम्हें जानता नहीं, बालक तुम अपना परिचय दो। अब यहीं पर बिंदु, एकलव्य क्या कहता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अरे वो मगध के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस का बेटा था। यदि आप ये कह रहे हैं कि वनवासी था, तो ये भी पूरा वाक्य तो पूरा करो कि वो सेना अध्यक्ष था। मगर देखिए कितनी चालाकी से छुपा लिया आधे तथ्य को और उसके बाद हमारे दिमागों में भर दिया कि ये बहुत गलत किया गया। बताइए हमारे हिंदू धर्म के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, दोनों का रचयिता कौन? रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। आज जो वाल्मीकि समुदाय है वो किसमें आता है? शेड्यूल कास्ट में। महाभारत के रचयिता और वेदांत और मीमांसा के रचयिता महर्षि वेदव्यास, जिनकी मां मछुआरिन थी, वह समुदाय किसमें आता है? कुछ राज्यों में दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में, यूपी में अति पिछड़े में। तो मेरे भाई संत रैदास, नामदेव, कबीर, दादू, ये सब पूज्य संत हुए, फिर भी हमारे दिमागों में यह भरा जाता है। और कौन भरता है? वो लोग भरते हैं जो अपने यहां समाज के गरीब वर्गों की खरीद फरोख्त करते थे। और आपको ये भी बात बता दूं, जब हम कभी अपने यहां कहते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स ने दिखाओ क्या लिखा है, तो मैं ये बात आपसे कहता हूं, इसको भी जाके चेक कर लीजिएगा, किसी फॉरेन ट्रेवलर का सबसे ऑथेंटिक जो रेफरेंस माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था ग्रीस से, जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका, आज से 2300 साल पहले। वो इंडिका किताब आज उपलब्ध नहीं है, मगर उसके उद्धरण तमाम जगहों पे हैं, तो प्रूवन है किताब थी। उसने भारतीय समाज में व्यवस्था का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहां पर 7 जातियां हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यह है यहां इतनी समरसता, इतना सामंजस्य है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ शोषण या भेदभाव किया जाता। ये एक विदेशी लिख रहा है। और मैं एक और बात आपसे बताना चाहता हूं, बहुतों को नहीं पता होगा, गांव में पंचायत होती है ना, ये पंचायत में 5 की संख्या कहां से आती है? ये 4 या 6 क्यों नहीं? 5 की संख्या जानते कहां से आती है? 4 वर्ण माने गए थे, तो किसी भी गांव में निर्णय लेना होगा तो चारों वर्णों का एक एक प्रतिनिधि होगा, और 5वां जानते कौन होगा? गांव के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले वो वनवासी जो प्रत्यक्ष रूप से गांव का हिस्सा नहीं है, पर हमारे निर्णय का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ेगा, तो 5वां प्रतिनिधि उनका होगा, वहां से यह पंचायत का भाव आता है। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे दिमाग में एक और चीज भर दी गई कि जाति व्यवस्था हमने बनाई। आपको पता है कास्ट शब्द कहां से आया? ये कास्ट अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और
1931 में जो अंतिम जनगणना जाति के आधार पे, उसमें 4114 जातियां हैं हिंदू समाज में, जिसमें अब 6000 बताई जाती हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, कोई दिखाओ तो किसी धर्म ग्रंथ में 6000 जातियां लिखी हो, और जहां लिखी उसमें इससे ऊंचे ये, इनके नीचे ये ऊंचा ये नीचा, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? ये माली ऊंचे की तेली ऊंचे, सुनार ऊंचे की लोहार ऊंचे, कहां लिखा है? जानते कहां लिखा है? एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा किए गए सेंसस में हिंदू समाज को जातियों में विभाजित करके ऊपर से नीचे तक लिखा गया, और फिर वो हमारे ऊपर अध्यारोपित कर दिया गया है। हमारे दिमागों में कैसी कैसी बातें भरी जाती हैं। एक थोड़ा लिबर्टी लेते हुए ये भी कहना चाहूंगा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता। अब ये बताइए, हमारे यहां दिल्ली में लोगों को ध्यान नहीं होता है, आप लोगों ने मैत्री कॉलेज और गार्गी कॉलेज है ना, ये मैत्री और गार्गी कौन थी? ये वैदिक काल की 20-22 विदुषी स्त्रियों में से एक हैं। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया। फिर मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा धर्म संस्कृति बताइए जहां धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी महिला को हो और किसी धर्म के ज्ञाता के साथ शास्त्रार्थ करने का अधिकार। फिर हमको समझाया जाता है कि हमारे यहां बराबरी नहीं थी। अरे आप सबको याद हो सबसे प्रख्यात शास्त्रार्थ कौन सा है? आचार्य मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच, दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ उसका जज कौन था? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। फिर मैं चैलेंज करके पूछता हूं, पहले दुनिया कोई धर्म बताइए जहां टिप्पणी करने का अधिकार स्त्रियों को हो और जज बनने का अधिकार हो डिस्कशन में। उसके बाद हमसे कहते हैं कि साहब बराबरी नहीं थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तो समाज में जिस प्रकार से एकाकार करके सबको साथ में लिया जाता था, बराबरी का तो आलम यह था, बराबरी नहीं थी। यह सच है, हमारे यहां बराबरी नहीं थी, हमारे यहां मातृशक्ति को पहले रखा जाता था। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सीताराम सीता पहले, राम बाद में, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, गौरी शंकर गौरी पहले, शंकर बाद में, राधे कृष्ण राधा पहले, कृष्ण बाद में, माता पिता माता पहले, पिता बाद में। और इसीलिए हमारे जितने भी प्रतीक हैं, भारत भी माता है, धरती भी माता है, प्रकृति भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गाय भी माता है, गायत्री भी माता है। और ये केवल कोई आध्यात्मिक धार्मिक बात नहीं है, वर्ल्ड की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अगर पहली बार कोई वुमेन रूलर रही है तो गुप्त वंश के समय में 4वीं शताब्दी में प्रभावती गुप्त ने शासन किया है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी झांसी, वो सब तो आपने बहुत सुना होगा। अब वो लोग आके हमको समझाते हैं कि बराबरी नहीं।